इमोशनल था, मजा आया देखने में, बहुत बढ़िया लगा, एकदम बेहतरीन। कैसे लगी नवा नवा ऐसा? दोनों अच्छा लगा, एक्टिंग भी तबाही थी, मस्त थी, एकदम तबाही, एकदम बेस्ट, मजा आ गया। धीरे धीरे दिल है करे पो को, यानी पो दिल है धीरे धीरे करे थे अंदर से, भाका के मीट बोली हुआ, यानी निकल नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे दिल है करे थे, खुदबुदी गुदगुदा थे, प्यार के एक झलकी हुआ। मूवी अच्छी लगी, पर हैप्पी एंडिंग होता तो और अच्छा होता, लेकिन लास्ट में हीरोइन मतलब उनको कैंसर हो जाता है। हाँ, इसका पार्ट टू बनना चाहिए। सॉन्ग्स अच्छे थे, सबसे अच्छा मन पंचनी सॉन्ग सबसे अच्छा लगा मुझे। डायलॉग वो रानू मंडल वाला मुझे अच्छा लगा, रानू मंडल वाला। सबका काम अच्छा था और अच्छी एक्टिंग की है सबने, सब कुछ अच्छा है, गुड डिफेंस की थी है ना, राम के जीवन में आके त्रेता युग में जैसे सैक्रिफाइस की थी, वैसे ही संदेश यहाँ पे भी मिला कि सैक्रिफाइस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? कह रही है कि नो डाउट। गाना वाना कैसे लगा? गाने तो सुपर्ब है, मैं सोच के रखी हूँ कि आज जाते के साथ डाउनलोड करूंगी और बिल्कुल सुनूंगी, बहुत अच्छा था। अगर तुम बताना चाहे याद है तो मन पंचमी करके, हाँ भैया वाला बहुत अच्छा लगा, और मन पंची डोले बहुत प्यारा गाना था। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये जो देख सकत हो आप मन है, ये है टाकीज बसंत और बिलाई के टाकीज, बसंत टाकीज। यहाँ फिल्म लगे है आपके वैदही, तो अभी निकलने वाला है 12 से 3 में, दर्शक मन है और कलाकार मन पहुँच चुके हैं, तो चलो देखते हैं अंदर में का है माहौल, ओखर बाद दर्शक मन का कही वाला भी सुनबो, वो भी देख सकते हो आप। कलाकार मन पहुँच चुकी फिल्म के और लाइट टाइम्स के संपादक यशवंत साहब पहले पहुँचे हुए और कुछ पत्रकार मन भी पहुँचे हुए, अभी सब यहाँ पर उठावा था, तो देख सकते हो माहौल है, गरीब हीरो और बाकी जो दर्शक है मन अभी पहुंचे हुए, गाना फिल्म के जो पोस्टर उस्टर अगर वगैरह सब लगे हुए, देखो संजय दत्त के फोटो लगे, सलमान खान के लगे और अमजद खान, अमिताभ बच्चन, तो सब जन देख सकता था अभी कवर करे बना सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। में यशवंत साहू पिक्चर चला से छत्तीसगढ़ में फरवरी 9 जून को आ गए देख सका था संगवारी, पिक्चर छुड़ी है तो मार दियो। दर्शन मनावत जाते पार्टी ना भाई।
बढ़िया संगवारी हो, देख सका था कलाकार मन से मिले बार आए दर्शक मन बहुत इमोशनल था, मजा आया देखने में, बहुत बढ़िया लगा, एकदम बेहतरीन। कैसे लगी? नवा नवा है सब, दोनों अच्छा लगा, एक्टिंग भी तबाही थी, मस्त थी, एकदम तबाही, एकदम बेस्ट, मजा आ गया। शंकर भाई फिल्म बहुत अच्छा लगा। वैदही जानकी का ही रोल बहुत अच्छा था, वैदही का भी रोल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पारिवारिक पिक्चर, पूरे फैमिली सहित बैठ के देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सामाजिक पिक्चर है। जय श्री राम, पारिवारिक है, बहुत रोना आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम बिहार से हैं लेकिन भोजपुरी में बोलेंगे, मतलब पिक्चर झंडवा फिर भी घमंडवा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सियाराम। चलिए बोलिए बोलिए, जय जय श्री राम। राम जानकी के बारे में बोलिए कुछ, राम कैरेक्टर के बारे में बोलिए। ये हाथ का जल्दी कैसे चल रहे हैं वैदही? अभी तो सबको काम बाकी है। तो अनन्या बोलो पिक्चर बारे में, गाना गाना सब बोलो। जय श्री राम,
जय जय श्री राम। मेरा दो छत्तीसगढ़ी तो पिक्चर हुआ इसमें, बहुत अच्छा लगा देख के। संगवारी हो जय जोहार, फिल्म बहुत अच्छा है, मजा आ गया पूरा। पूरा गाना अच्छा है, पूरा पूरा मेहनत करे है सरमन हाँ, मनीष सर के मूवी सेकंड मूवी हरे, मजा आ गया मूवी है। मेहनत एक नंबर था, बहुत अच्छा मेहनत करे मनीष सर हैं। मनीष सर के तीसरा मूवी भी आवा थे गुइया अमलेश नागेश के साथ में, मूवी अच्छा जी सर। छोटे वाले भाई दी का कोई बात नहीं, आप बिना बोले बहुत कुछ बोल रही है अपनी आंखों से। यस मामा मैं समझ रहा हूँ, हाँ वही ये कल की बात थी, आज रातों रात सपना पूरा हुआ। हेलो बोलो, हेलो हेलो कर दो बेटा, हेलो कर दो। हाँ वो सही है, उसको मुंह में नहीं ले जाना लेकिन। हाँ ये नहीं चाहिए तो हम ऐसी बात बहुत बढ़िया मूवी है ये, इमोशनली सीन बहुत सारे हैं और मेरे ख्याल से सब दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। मुझे तो बहुत रुलाई, मेरे आंसू से तो मतलब आंखों से तो बहुत आंसू आ रहे थे। एक्टिंग तो जबरदस्त सभी का ही, किसी एक को तो नहीं बोल सकते, सभी का बैलेंस बराबर रहा एक्टिंग के मामले में। ये संगीत भी बहुत बढ़िया है और स्टोरी तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कमाल कमाल कमाल, यस बहुत स्वागत है, थैंक यू, धन्यवाद। ये संगीत ये फिल्म में मैं संगीत नहीं दे हूँ, मतलब ये फिल्म में मैं गीत लिखे हूँ, छोटा सा रोल करे हूँ और बहुत सारा फिल्म में तो गीत संगीत भी देता था, क्योंकि मैं मनीष मानिकपुरी की प्रस्तुति में और सागर पड्डा जी के लेखन निर्देशन में ये फिल्म निर्माण हुई वैदेही, और वैदेही एक ऐसे फिल्म है और जरा महिला के लिए एक तपस्या, एक त्याग, एक बलिदान कहे जाना चाहिए। ऐसे फिल्म 20 साल में हमने पहली बार देखे बार मिली, और मैं तो पूरा टीम ला जिन के कलाकार मन आज आए हैं और मैं जिन भूमिका निभाए हैं, शंकर जेकर नाम है, खुद विशाल हीरो जी, खुद काजल सोनबेर जी पहुंचे हैं यहाँ जिन फिल्म के नायिका है, और हमारे सामने अखिलेश जी है खुद भूमिका निभाए हैं, बहुत सारे कलाकार आए हैं, लेकिन वैदेही फिल्म में मोला गीत लिखे के जिन मौका मिले एक लिए 3 गीत थे मोर, बहुत मैं खुश हूँ, मोला सौभाग्य है कि वैदेही जैसे फिल्म के लिए गीत लिखे। वैसे बहुत सारा फिल्म गीत लिखे हो 40-50 साल से, अभी हर हर महादेव एक फिल्म बनी से जेमा भी मोर गीत संगीत है, जेकर निर्माता निर्देशक है श्रवण कुमार राठौर जी रायपुर के, उमा मैं राजा चंद्र सिंह उज्जैन के राजा के रोल भी करे हूँ, आप अखिलेश जी भी उमा भूमिका निभाए हैं, एक्टिंग करे हैं। तो वैदेही फिल्म है कुल मिला के महिला प्रधान फिल्म, महिला सशक्तिकरण लेके बने हैं, और निश्चित ही ये फिल्म ला समाज ला देखना चाहिए, और ये फिल्म ला देखे के बाद समाज में एक नया जागृति आई, हंसी मजाक ठिठोली लव स्टोरी तो बहुत सारा पिक्चर देखे, लेकिन वैदेही ला देखे के बाद एक बात लगी कि वैदेही देखना चाहिए, या मैं एक बात चैलेंज के साथ कहूँ कि ये फिल्म ला देखे के बाद कठोर से कठोर दिल के अगर आदमी हो ओकरो अगर आंसू नहीं बही तो फिर वैदेही नहीं देखी, इतना मतलब ये चीज देखे। हाँ अरे दर्शक तो आंसू ले से पोछते ही निकली, इतना बेहतरीन फिल्म है, मतलब मैं मनीष मानिकपुरी जी सागर पड्डा जी और पूरा टीम बहुत बहुत धन्यवाद दे कि पहली बार छत्तीसगढ़ ला इतना अच्छा फिल्म परोसिन और इसने आओ मन फिल्म लात रही है, इसे ऊपर से उम्मीद भी करता हूँ मैं, थैंक यू जी। तीन गाना के बारे में आप बताएं कि रचना करे थोड़ा ऊपर बिहाव की चल बिहाव होते थे तेज का बेरा, तो मैं दो लेखक हम लिखे, आधा गीत संजय महफिल भाई, आधा गीत मैं, तो इसलिए दो गाना हम आधा आधा लिखे, जैसे माँ के शब्द है कि आंखी में आंसू है मुंह में मुस्कान है,
अंतस के पीरा ले दुनिया ज्ञान है मोर शब्द नारी परीक्षा देवत जुग जुग ले आत है ये का हो विधाता है तो किस्मत की बात है बहुत सारा सब लिखना पड़ते और झूमो नाचो खुशी बांटो ये सब हमारे शब्द है तो दो तीन गीत है और अभी ये मोर मोर सेपरेट गीत है अजब हे गजब हे लाजवंती के चाल गजब हे धीरे धीरे जान लेवत है धीरे धीरे जान लेवत है नैना के मान मारत है और धीरे धीरे दिल है बोले पो 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 ये सब बहुत प्यारा गीत एक गीत के बारे में आपने पूछना चाहूँ दिल है अक्सर जो गाना लिखने वाला थे मना कभी धक धक करत रही से कभी वो कुछ करत रही से लेकिन इतनी आप मन किसे रचना करे दिल है पो 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 करत माने दिल है कुछ बोलना चाहते माने वो निकल गए थकर थकर अंदर में करते थे ना दिल है करे पो 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 आवाज होकर सुनाते हम लोग गा के बतावा था कि धीरे धीरे दिल है करे पो 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 यानी पो दिल है धीरे धीरे करत है अंदर से भाका के मीट बोली हुआ यानी निकल नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे दिल है करते खुदबुदी गुदगुदात है प्यार के एक झलकी और तो ये सब है तो दर्शक मन है मैं दर्शक मन से ही निवेदन करूं कि एक बार जरूर पूरा परिवार आके वैदेही देखें और अपन संगी साथी मतलब दिखाएं काबर के एक शिक्षा से भरे हुए महिला प्रधान फिल्म थैंक यू Ha ha ha.